बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक भी हेल्थ से ही है और ये एक अहम मसले के बारे में है, एक अहम मालूमात के बारे में है। इस बारे में हम आपको ये मालूमात देना चाहते हैं कि कुछ मेडिसिन इस तरह होती हैं कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो अपने मुकम्मल फ़ायदे देती हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि अगर मेडिसिन के फ़ायदे हैं तो उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन अगर आपको उस बारे में मालूमात होंगी तो आप बहुत हद तक उन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम तक पहुंच सके। तो ये आज की हमारी वीडियो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के बारे में है, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए होती है। ये आमतौर पर पट्ठों के खिंचाव, दर्द को कम करने के लिए, अगर कोई अंदरूनी चोट लग जाए उसके लिए, बैक जॉइंट पेन हो, शोल्डर में पेन हो और बहुत से मसलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अक्सर ये लोग देखा गया है कि ये सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में इन जेल्स के मुतालिक मालूमात देंगे ताकि आप इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि ये सिर्फ एमरजेंसी यूज़ के लिए होती है, यानी कि अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फ़ायदा हुआ है या आपकी बीमारी में फाका हुआ है या जिस मसले के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर दो चार दिन इस्तेमाल के बाद कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। उसके बाद एक एहतियात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा मसाज ना करें, दबाकर मसाज ना करें, हल्की हल्की मालिश करें और कोशिश करें कि एक साइड पर इस तरह मालिश करें तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके बाद एक अहम एहतियात है कि अगर आपके स्किन पर कहीं स्वेलिंग है या कोई चोट लगी है, कोई अंदरूनी चोट है, तो सिर्फ उसी पर इसका इस्तेमाल करें, ज़ख़म वाली जगह पर इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद एक एहतियात यह है कि अगर आपको चेहरे पर लगानी पड़ सकती है तो आँखों को इससे लाजमी तौर पर बचाएं, क्योंकि इसमें मेंथोल और बहुत से दूसरे ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं कि जो कि आपकी आँखों के लिए बहुत ही मसाइल पैदा कर सकती हैं। उसके बाद कोशिश करें कि जब आप जेल का इस्तेमाल करें तो उस जगह पर पानी ना लगे, अगर पानी लगता है तो आपके लिए मसाइल बना सकता है, आपको बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है और स्वेलिंग का भी मसला बन सकता है। उसके बाद अगर आप इसका फ़ायदा मुकम्मल तौर पर चाहते हैं तो इसे लगाने के बाद करें बैंडेज या जिसे हम गर्म पट्टी कहते हैं उसका इस्तेमाल करें और वो ज़्यादा दबा कर ना बांधें, मसलन की और कोशिश करें कि उस जगह पर हवा ना लगे जहाँ पर आप जेल इस्तेमाल कर रहे हों। उसके बाद एक बहुत ही अहम एहतियात करें कि जो कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, यानी कि 10 साल से कम या 12 साल तक की उम्र के बच्चों को ये हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। उसकी वजह यह है कि उनकी से जल्द बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो ये जेल वगैरह उसके लिए मसाइल बना सकती है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ चलते हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। सबसे पहले तो जिनको डिक्लोफेनिक से एलर्जी हो वो ये इस्तेमाल ना करें। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट आप खुद ही देख सकते हैं, अगर तो ये लगाने के बाद सूजन बढ़ जाए तो इसका इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें, क्योंकि अगर शायद वो कोई आपके फ्रैक्चर वगैरह का भी मसला हो सकता है और इसकी इस जेल के लगाने से एलर्जी भी हो सकती है। ख़ास तौर पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि छोटे बच्चों को ये हरगिज़ यूज़ ना करवाएं। अक्सर देखने में आ रहा है कि बहुत ही छोटे बच्चों को घर में पड़ी हुई जेल का इस्तेमाल करवा दिया जाता है। उसके बाद एक चीज़ का और ख़ास तौर पर एक ख्याल रखें कि जेल जो भी हो, चाहे सस्ती है या महंगी है, चाहे किसी ब्रांडेड कंपनी की है या हल्की है, उसे अगर आपने खोल कर यूज़ कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक माह तक उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद खोलने के बाद उसमें बहुत से ऐसे जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।